दंडवत महाराज जी राधेश्याम मेरा नाम अभिषेक पांडे है मैं सिवान से हूँ जी पांडे जी महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन है। क्या बात भी... है सारे ब्राह्मण ही खड़े हो गए क्या हैं उधर क्या नाम था इनका झा जी फिर ये हो गए क्या थे ये तिवार। तिवारी जी और आप पांडे जी बोलिए अब महाराज जी हमारे जीवन में गुरु जी का क्या महत्व है जैसे अंधेरे में प्रकाश का महत्व है वैसा ही हमारे जीवन में गुरु का महत्व है हम घने जंगल में हो हमें रास्ता मालूम ना हो हम भटक जाएं, और हमें कोई राह दिखाने वाला ना हो उस समय कैसा भी व्यक्ति आ जाए और रास्ता जानता हो तो कितना महत्वपूर्ण लगता है वो हमको लगता है ना तो एक तो ये मानव जीवन सिर्फ खाने कमाने सोने के लिए नहीं मिला है ये उसमें बीच में इन्वॉल्व है ठीक है खाना भी पड़ेगा सोना भी पड़ेगा संसार को निभाना भी पड़ेगा लेकिन यही सिर्फ उसका वेस्ट नहीं है ये उसका गोल नहीं है उसका एम नहीं है तो बोले इसका गोल है इस शरीर के बाद दोबारा कोई शरीर न मिले जिसको हम लोग मोक्ष कहते हैं जिसे हम भगवत प्राप्ति कहते हैं और उस संदर्भ में हमारे चारों तरफ डार्कनेस है वी डोंट नो अबाउट दैट हमें उसके विषय में कुछ नहीं पता और उसके विषय में जब हमें नहीं पता तो उस संदर्भ में जो गुरु जी हमें बताते हैं जो प्रकाश देते हैं उस नॉलेज देते हैं उस नॉलेज को कैच करके फिर उनका अनु अब अभ, अभी जैसे कई लोगों ने आज दीक्षा ली है दीक्षा ले ली लेकिन वो गुरु के वाक्य फॉलो नहीं करेंगे तो वो अंधेरे में थे अंधेरे में हैं और अंधेरे में ही रहने वाले हैं कैसे मैं बताता हूँ कैसे जैसे कोई व्यक्ति अनजान रास्ते पे गया और उस रास्ते पे किसी को रास्ता भटका उसने पूछा भाई मुझे रास्ता बता दो तो उन्होंने कहा कि ये रास्ता पटना की तरफ जाता है आप इधर से चले जाइए अब उसने का काम ख़त्म उसने बता दिया आप उस रास्ते पे जाइए अब वो कहे कि नहीं नहीं इस व्यक्ति पे मुझे भरोसा नहीं मुझे इस पर नहीं जाना है मैं तो अपना ही दिमाग लगाऊंगा तो अब बताइए वो पहुँचेगा कभी नहीं गलती किसकी है बताने वाले की कि पूछने वाले की क्यों? क्योंकि उसने बताने वाले पर विश्वास नहीं किया वैसे ही पर तमाम शिष्य हैं, जो सब फेत नहीं करेंगे वो अपना ही दिमाग लगाएंगे लेकिन जो विश्वास करेगा वो अंधेरे से बाहर निकल आएगा वो प्रकाश की तरफ जाएगा वो ईश्वर की तरफ जाएगा वो जीवन के उद्देश्य की तरफ जाएगा यहां बहुत जरूरी है आप विश्वास करें एक और एग्जाम्पल में स्टूडेंट क्लास में बैठा है प्रोफेसर पढ़ा रहा है और प्रोफेसर ने पढ़ाना प्रारंभ किया और उसने सारे सवाल के आंसर अच्छे से कर दिए लेकिन स्टूडेंट को बिलीव ही नहीं ना हो उस पर यकीन ही ना हो तो उसके मार्क्स आएंगे तो वो आगे की क्लास में जाएगा आगे की नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए बहुत जरूरी क्या है फर्स्ट यू बिलीव योर टीचर देन यू प्रोग्रेस देन यू विल बी प्रोग्रेस डेफिनेटली यू प्रोग्रेस एम आई राइट या रॉन्ग राइट तो अपने गुरु के बचनों पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है राधे राधे धन्यवाद